सो हे गाइस, वेलकम बैक टू स्नाइपर बनाना यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग खेल रहे हैं फिर से एक बार माइनक्राफ्ट। तो आज हम लोग अपने बाकी के जो आर्मर और टूल्स बचे थे उनको एनचांट करके ये काम ख़त्म करते हैं। जैसे आपको याद होगा, डायमंड चेस्ट प्लेट पे प्रोटेक्शन 4 और डायमंड बूट्स पे भी प्रोटेक्शन 4 लगा चुके थे। बाकी हमारे पास एक सिल्क टच की पिकैक्स है और शार्पनेस 5 की डायमंड सॉर्ड, और आपको ट्राइडेंट तो याद ही होगी। अब हम लोग अपना बाकी का सामान एन्चांट करते हैं। हमारी बो पे फ्लेम और मेंडिंग तो लगी हुई है, अभी पावर और लगानी है। एक मेंडिंग की बुक्स भी पड़ी हुई है, तो भूल ही चुका हूँ कि क्या क्या रखा था मुझ पे। सब लेके एन्चांटिंग का देखते हैं। बस थॉर्न्स टू लग रहा है, थॉर्न्स टू से काम नहीं चलेगा। सिल्क टच एक और नहीं चाहिए मेरे को। बुक पे फेदर फॉलिंग फॉलिंग 4 है, वो पे इन्फिनिटी है। इन्फिनिटी तो मेंटिंग से मिला नहीं सकता, मेरे को पावर चाहिए वो पे। इस पे आपको एफिनिटी है, तो ऐसा करते हैं बुक पे ऐसे ही कुछ भी इंचांट कर लेते हैं, उसके बाद फिर एक बार ट्राई करते हैं। प्रोजेक्टाइल प्रोटेक्शन ना, इस पे प्रॉट 3 है गाइस। प्रॉट 3 ले लिया और कुछ अच्छा मिल रहा है। ब्रेकिंग 3 ट्राई कर सकते हैं। टच एक और सिल्क टच यार, बैक पे भी सिल्क टच, बो पे इन्फिनिटी। सिल्क टच को तो ग्राइंड कर रहा हूँ मैं, ये भी हटा देते हैं। फॉर्च्यून टू हैव इन्फिनिटी नहीं, थॉर्न्स टू भी नहीं। रेस्पिरेशन 3 ले लेते हैं, चलिए इस पर देखते हैं। सिल्क टच है तो रेस्पिरेशन 3 लेते हैं। अनब्रेकिंग 3 तो मिलेगी एटलीस्ट साथ में। क्रैक, मैंने बुक फेंक दी। फिर हमें प्रोटेक्शन 4 चाहिए होगा। एक क्लेम नहीं चाहिए मेरे को, क्लेम नहीं बुक पे। लॉस प्रोटेक्शन 4 भी नहीं, पेन ऑफ सपोर्ट्स भी नहीं चाहिए। कुछ अच्छा मिल ही नहीं रहा। एक हेलमेट पे आई गेस रेस्पिरेशन तो मिलेगी। अच्छा, फिर से कुछ फालतू का एन्चांट करते हैं गाइस। ब्रेकिंग 3 फिर से ट्राई कर सकते हैं, और कुछ अच्छा ना हो किसी और पे। ब्रेकिंग 3 स्माइट 4 और इस पे फायर प्रोटेक्शन 2 पे कैक्स पे, या फिर बो पे ट्राई करें। इस पे करते हैं, नहीं एक्चुअली बो पे ट्राई करते हैं। बुक पे क्या मिल रहा था मेरे को, प्रोजेक्टर प्रोटेक्शन 4। हाँ तो बो पे ट्राई करें या फिर पिकैक्स, पिकैक्स करते हैं। फिर एक सिल्क टच, वैसे तीसरी सिल्क टच मिल रही है मेरे को। मेरे को ऑलरेडी है ऐसी एक पिकैक्स है, कर सकते हैं इसको। तो फिलहाल ग्राइंडस्टोन करते हैं, और अब ऐसा करते हैं, मैं बहुत टाइम से आया नहीं हूँ तो पता नहीं प्रोड्यूस हुआ भी होगा ना। इसमें तो ज़्यादा नहीं हुआ है, शुगरकेन फार्म में भी पहले कहीं पड़ा है, तो शुगरकेन फार्म से 3 स्टॉक उठा के ज़रा ट्रेडिंग कर लेते हैं गाइस। ट्रेडिंग से फिर एक्सपी भी और मिल जाएगी गाइस। मेरे को याद है पिछली बार हादसा हो गया था मेरे मैनेजर के साथ। एक आयरन गोलम तो है एटलीस्ट यहाँ पे। कहाँ है लाइब्रेरी, पेपर्स, बंच ऑफ पेपर से ट्रेड कर लेते हैं। थोड़ा तो ही गया एक्सपीरियंस मिलती होगी। 8 एमराल्ड भी हो गए। अब इस एमराल्ड के बदले कुछ और ट्रेड कर लेते हैं, आई गेस उससे भी एक मिल जाएगी। क्या ट्रेड करूँ इन एमराल्ड के बदले, सस्ते में दे रहा है ये। बुक्स के बदले तो भी नहीं कर रहा,
केस ग्लास के बदले ही कर लेता हूँ, ग्लास भी सही रहेगा, बंदा भी अपग्रेड हो गया, एक्सपी नहीं हुई एनफ। बहुत कर रहा लैग कर रहा है गेम अभी। मैं निक के बुक्स को अभी अनइंस्टॉल करती या फिर एक्चुअली नहीं, ये तो बहुत जरूरी है मेरे को अभी अपने हेलमेट पे प्रोटेक्शन चाहिए। बाकी सेल टच वाली पिकैक्स को तो जरा अनइंस्टॉल कर दें। और क्या कर सकते हैं, अपनी सॉल्ट को लेके चलते हैं। ये तो अपने 5 की सॉल्ट है, माइंड काट है मेरे पे एक भी, एक माइंड काट तो है चलेगा। अब फिर से कुछ कितने दिनों बाद अपने स्केलेटन फार्म पे चलते हैं। क्या तो बंच ऑफ एक्सपी ग्राइंड कर लेंगे, वहां पे मैग्मा ब्लॉक है क्या पता नहीं। अभी पहले तो ये देख लेते हैं कि यहाँ पे कुछ एन्चेंटेड बोल्स हो रखी हो तो फिर उससे भी काम धाम कुछ हो जाएगा। बहुत है एन्चेंटेड चीज़ें, पावर 4 तो मैं अपने स्केलेटन फार्म से ही बना सकता हूँ गाइस। ओ भाई डायमंड के हेलमेट तक रखे यहाँ तो, मैं तो सब अपने एन्चेंटेड चीज़ें उठाना शुरू हो गया। इससे इतनी एक्सपी हो जाएगी गाइस, स्टोन स्लैब था, कॉबल स्टोन, ये वुड का स्लैब, ये स्टोन का स्लैब, ये सब बकवास क्यों पड़ी है यहाँ पे। अच्छा वापस चलते हैं जल्दी से, यहाँ पे ग्राइंड स्टोन रख देना चाहिए था मेरे को। रात भी हो रही है तो सोना भी होगा। हुआ क्या ये, जल्दी से चलते हैं फिर से एन्चेंटिंग ट्राई करते हैं। इस बार मैं सोच रहा हूँ कि एक एक करके ही करूँगा इस, जैसे कि 30 लेवल हुए तो उसके बाद रुक जाऊँ, बिकॉज वरना आई थिंक उससे एक्सपी वेस्ट होती है, क्योंकि जितने ज़्यादा लेवल बढ़ेंगे उस हिसाब से एक्सपी भी ज़्यादा लगेगी। तो मेरे पे खुद का पड़ा है, फिर विलेजर काम आएगा। विलेजर सबसे पहले तो सो रहा हूँ मैं, चलो विलेजर का ग्रैंड स्टोन भी। हाँ मैंने यहाँ तो लगाया था, क्या हो रहा था। ओके 30 हो गया, एक और अनब्रेकिंग 3 ट्राई कर, एक और टच बहुत ही बढ़िया। जैसे हुआ क्या 28 तक, अब हुआ अभी भी नहीं, इतनी भी एक्सपी नहीं मिलती इससे। छट्टी हुआ ही नहीं पूरा, ये सब फालतू का सामान रखते हैं जरा।
ने डायमंड हेलमेट से और डायमंड हेलमेट पे एनचांट ट्राई कर लेते, क्या पता कुछ बढ़िया सा मिल जाए। फॉर्चून बन बस किसी चीज पर अच्छा सा एनचांट मिल ही नहीं रहा। एक दो लेवल बंद एनचांट ट्राई करते हैं उसके बाद देखते हैं। रेस्पिरेशन 3 नहीं चाहिए मेरे को, थ्रिल टच नहीं, इस पे भी रेस्पिरेशन 3, इस पे स्माइट 3, फायर प्रॉट 4 नहीं, फिर से ट्राई करेंगे चैनलिंग आई गेस। नहीं ट्राइडेंट पे दो अलग अलग ट्राई क्यों कर रहा हूँ, क्या फायदा है। फॉर्चून 3 फाइनली, बाकी चीज़ों पर भी टेस्ट कर लें। फिर रेस्पिरेशन 3 है, इस माइट 4, इस पे प्रोटेक्शन 4। गाइस फॉर्चून 3 लिया प्रोटेक्शन, ज़रा गाइस अभी एक्सपी ज़रा सी ग्राइंड करता हूँ उसके बाद सोचते हैं कि फॉर्चून 3 लिया प्रॉट 4। ओके गाइस तो मैं थोड़ी देर से लेवल्स ग्राइंड कर रहा था, मैं इस कंक्लूजन पे आया कि प्रॉट 4 ले लेते क्योंकि फॉर्चून 3 तो जल्दी मिल ही जाएगा, तो ये ले लिया प्रॉट 4। ये देखिए फॉर्चून 3 मिल गया, आपका एफिनिटी है, टच है, हाँ तो फॉर्चून 3 ले लेते हैं और एफिशिएंसी 4, वाओ नाइस। तो अब हमारी ये दो चीज़ें और हो गई, अब आई गेस मेरे को दो पे पावर चाहिए था और क्या चाहिए था मेरे को, तो शार्प 3 है, हाँ मैं थोड़ा अच्छा एनचांट चाहिए था और एक एक्स एनचांट करनी है मेरे को अपनी अपनी बो, देखते हैं जरा बो पे क्या है। फ्लेम ही है, फ्लेम ट्राई कर सकते हैं इफेक्टली, फ्लेम कर इसके लिए नहीं किया, एक बुक एंचांट करके 5-2 पावर 1, पावर 1 नहीं, लिपटाइड 3, लिपटाइड आएगा लेकिन अभी मेरे पे दूसरी ट्राइडेंट भी तो नहीं है, प्लस प्रोटेक्शन नहीं, बिना फर्स्ट रिपोर्ट से नहीं, तो फिर से एक बुक एंचांट कर लेते हैं। अब इन सब बुक्स को अगर अनएंचांट करता हूँ तो मैं वापस लेवल 30 होऊंगा। अरे अपनी शार्पनेस 5 की सॉर्ट कर दो, ओके तो सॉर्ट को तो रख दिया, हाँ मेरी बो पे, ये देखिए मेरी ट्राइडेंट पे चैनल लिंक है, मैं बोल रहा था या तो हम ये करें कि इस हेलमेट को अनएंचांट करें और उसके बाद फिर से एक बार एंचांटमेंट ट्राई करें, आई थिंक यही करते हैं। 30 नहीं हुआ यार, कुछ तो कमांड लायक आयरन गोले में आई गेस, मैं फालतू में पिटने के काम कर रहा हूँ, मुझे लग रहा है मैं उस आयरन गोलम से पिट जाऊंगा। जैसा मैंने सोचा था मैं पिट जाऊंगा उससे, और मेरे लेवल भी तो गए। एरन कुलम लेवल देते तो है ना, अब कल मेरे को फिर से ग्राइंड करना पड़ेगा लेवल्स के लिए, तो मैं अभी जरा सी देर में मिलूंगा। तो गाइस ये दूसरी बार लेवल ग्राइंड कर रहा हूँ, बस इस बार मेरे को अच्छा मिल जाए। सामने 3 आर्क्स पे नहीं चाहिए, डेप्थ स्ट्राइडर 3 भी नहीं चाहिए, कैम्पो है, इंफिनिटी भी नहीं, प्रॉट फोर जी प्रॉट फोर लैपिस ही नहीं है, लैपिस का मेरे पे लैपिस पड़ा है क्या, हाँ पड़ा है, गाइस प्रॉट फोर मिल रहा है, फाइनली प्रॉट फोर मिल रहा है। हेलमेट का भी एन्चांटिंग ख़त्म करते हैं और रेस्पिरेशन भी मिल गया ना, देखो तो सी नहीं, इंफिनिटी भी नहीं, माइट 4 भी नहीं, और कुछ बचे एंचांट करने के लिए, आई डोंट थिंक सो, बस मेरी एक्स ही बची है। तो आई गेस एक में फालतू का एंचांट लगा के फिर से ट्राई कर लेता हूँ,
उसपे एफिशिएंसी को लगा के कर दूंगा। अनब्रेकिंग थ्री टच थॉन्स टू अनब्रेकिंग थ्री ले लेते, देखते पावर मिल जाए तो अच्छा है। मेरे को सीरियसली इन्फिनिटी नहीं चाहिए। हेलमेट को सबसे पहले रखो, मैं एन्चेंट कर दूंगा गलती से भी, बिकॉज इसी के साथ हमारा गियर तो पूरा हो गया, बस एक एक्स वैक्स बचे फालतू की चीज़ें। तो आज की वीडियो को अगर यहीं पे एंड करते हैं, अगली बार देखते हैं पता नहीं क्या करें, प्रोबेबली कोई अच्छा सा एक्सपी का फार्म बनाए, बिकॉज मेरे को ये एफ के में बनाना है, प्रोबेबली मैं वुल्फ्स बैठा सकता हूँ उधर। तो गाइस आज के लिए इतना ही, अब अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।